Hello everyone, मैं डॉक्टर श्वेता पुन्हानी, हेड कंसल्टेंट एट पुन्हानी टूथ केयर, विकासपुरी, वेस्ट दिल्ली. आज हम टीथ वाइटनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं. टीथ वाइटनिंग को स्केलिंग या पॉलिशिंग से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि स्केलिंग और पॉलिशिंग में सिर्फ स्टेन्स निकाले जाते हैं, टीथ वाइटनिंग में दांतों के रंग को भी हल्का किया जाता है. नॉर्मली तंबाकू से, रेड वाइन से, चाय, कॉफ़ी से या स्मोकिंग से दांतों के रंग में पीलापन आ जाता है, जिसका कि आप टीथ वाइटनिंग से ध्यान कर सकते हैं. टीथ वाइटनिंग दो तरह की होती है, इन ऑफिस ब्लीच और होम ब्लीच. होम ब्लीच में आपका डेंटिस्ट आपके दांतों का इंप्रेशन लेकर आपको कस्टमाइज स्प्रे बना के देता है, जिसमें कि वाइटनिंग जेल डालकर आपको उसको 15 से 60 मिनट तक पहनना होता है. ये प्रोसीजर आपको एक या दो हफ्ते तक करना होता है और आप धीरे धीरे रिजल्ट्स देख सकते हैं. किसी किसी पेशेंट को माइल्ड सेंसिटिविटी फील होती है, जिसका आप डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज़ करके आप उसका ध्यान रख सकते हैं. इन ऑफिस ब्लीच में भी आपको वाइटनिंग जेल 30 से 60 मिनट तक लगाना होता है, लेकिन इसमें रिजल्ट्स फास्ट होते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. किसी किसी इन ऑफिस ब्लीच में लाइट या हीट का या लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है. हमारे यहाँ जूम वाइटनिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसमें लाइट का इस्तेमाल करते हैं. इसमें ब्लीचिंग के साथ साथ आपको इनेमल स्ट्रेंथनिंग भी की जाती है, आपका इनेमल भी स्ट्रेंथन किया जाता है. जूम वाइटनिंग सिस्टम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वाइटनिंग सिस्टम है. आजकल मार्केट में या ऑनलाइन आपको बहुत सारे वाइटनिंग जेल, वाइटनिंग स्ट्रिप्स या वाइटनिंग पेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बिना प्रोफेशनल गाइडेंस के इनका इस्तेमाल ना करें. थैंक यू.